ये देखिए दोस्तों, आज की ये बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट स्पंजी केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम सामानों से, घर में आप उपलब्ध सामानों से इतना इजी और टेस्टी केक बना सकते हैं दोस्तों, बिना अंडे का और बिना अवन का। आज मैंने इसको कुकर में बनाया है, तो आप भी अपने घर पे क्रिसमस के मौके पे इतना इजी केक बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है दोस्तों। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी, लेट गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण, और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाने के लिए आपको इस तरीके का कोई भी बड़ा सा कटोरी चाहिए, बोल चाहिए। इसमें सबसे पहले मैंने आधा कप यहाँ पे चीनी लिया है, मेजरिंग के लिए कोई भी एक कप, या फिर आप कोई भी कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं। उसका सेम आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है दही, इसकी जगह पे आप जो है दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर मिल्क भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का बहुत ही बढ़िया सा स्वाद होता है और इससे हमारे केक वगैरह का जो टेस्ट होता है वो भी अच्छा होता है और एक स्मेल नहीं होती है केक में। तो ये मैंने 1/4 कप के आसपास जो है मैंने तेल ले लिया है ऑलिव ऑयल, और इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल की जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है, जब तक कि आपका चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट नहीं होता है ना, तब तक इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। कुछ ही देर में बहुत ही बढ़िया हमारा स्मूदी टाइप का जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे दही ही लेना है, आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है इस तरह का जो है स्ट्रेनर टाइप का लेना है, और उसमें आपको डालना है 1 कप मैंने भर के यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। आप यहाँ पे गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के आटे का। और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। वैसे दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आप ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कोकोआ पाउडर, क्योंकि हल्का सा चॉकलेट वाला फ्लेवर आएगा तो इसलिए कोकोआ पाउडर से थोड़ा बढ़िया सा स्वाद भी आता है और फिर चॉकलेट का फ्लेवर भी आता है। आप यहाँ पे कोई और भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हॉर्लिक्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूध का ज़रूरत पड़ेगा, पहले जितना हमने लिया हुआ है उसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, जितना आपको रिक्वायरमेंट दूध या फिर आपको यहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ आधा कप, और आधा कप दूध डाल के इसको जो बहुत ही स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। बैटर बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना वैसा स्मूथ होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए। कुछ ही देर में बहुत ही अच्छा स्मूथ बैटर हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा एसेंस डालूंगी, ये हमारा है वनीला एसेंस, ऐसे ये ऑप्शनल है, थोड़ा डालने से बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, हमारा स्मूथ बैटर बन करके रेडी है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम का हमने यहाँ पे केक टीन लिया है, इसमें हम केक बेक करेंगे। आप यहाँ पे एल्युमिनियम की जगह स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से जो है पैंदी जो है नीचे आपका स्क्वायर या फिर गोल जरूर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए लेकिन। और तेल डाल के काफ़ी अच्छे से इसको हम ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर, बटर पेपर को मैंने पेंदी के साइज़ का कट कर लिया है, और इसको नीचे इसके अंदर डाल के और बहुत ही अच्छे से इसको हम एक बार इस तरीके से तेल से हल्का ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हमारे बने हुए जो बैटर है वो डाल देते हैं। और उसके बाद एक बार इसको अच्छे से ठोक देंगे जिससे इसके ऊपर का एयर बबल्स वगैरह है ना वो सारे खत्म हो जाए। तो बस हमारा केक का जो बैटर है बनने के लिए रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ हमने कुकर में एक स्टैंड लगा दिया है और इसको काफ़ी अच्छे से प्रीहीट किया है। कुकर को अच्छे से गर्म कर लेना है आपको स्टैंड लगा करके, और इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है हमारा जो बैटर बना हुआ बर्तन है, जिसमें हमने बैटर डाला है वो डाल देते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग जो है स्टैंड जिसके पास नहीं है तो नीचे आप नमक रख सकते हैं, या फिर कोई सा भी कटोरी पलट करके रख दीजिए, उसके ऊपर इस तरह का बैटर रख सकते हैं बर्तन के साथ। और फिर ढक्कन लगा करके आपको इसको बंद कर देना है, और बहुत ही कम गैस पे इसको बेक करना है। सीटी निकाल दे, सीटी नहीं रहना है कुकर में,
कुकर का जो ढक्कन उसका सीटी निकाल के, और उसको यहाँ पे आपको दोस्तों कम से कम 40 से 45 मिनट तक अच्छे से बेक होने देना है लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने 50 मिनट तक बेक किया है। बीच बीच में आप ज़रूर चेक करें, अगर आपका केक कच्चा रहता है तो 5 मिनट ज़रूर इसको पकने दें। और तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे टूथपिक की मदद से। टूथपिक की मदद से हमने चेक किया तो हमारा केक का जो देख सकते हैं टूथपिक बहुत ही क्लीन निकला है, यानी हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से निकालेंगे इसको। ध्यान रखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और निकालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करेंगे, तभी केक आपका अच्छे से बाहर आएगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे हमने एक बड़ा सा कटोरी, एक बोल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे पीनट बटर, क्रीमी पीनट बटर है दोस्तों, और यहाँ पे इसका हमें फ्रोस्टिंग रेडी करना है। वैसे पीनट बटर बहुत ही अच्छा होता है, हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, जीरो ट्रांसफैट होता है, तो बच्चों को बड़ों को सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सभी लोग इसको आराम से खा सकते हैं, बटर के साथ आप चाहें तो ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो ये वाला पीनट बटर बहुत ही अच्छा होता है, मैं हमेशा केक में या फिर नॉर्मली आप जो है ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके भी इसको बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं ये पीनट बटर लगभग 3 से 4 चम्मच लूँगी, क्योंकि इसका फ्रोस्टिंग रेडी करना है दोस्तों, तो थोड़ा सा केक में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और केक थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच से 4 चम्मच मैंने पीनट बटर ले लिया है, और इसके बाद यहाँ पे लगभग 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ ये हमारा शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप आराम से बना सकते हैं अपने घर पे, बहुत ही इजी है बनाना। तो शुगर पाउडर यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है, और काफ़ी अच्छे से इसको हम विस्क कर लेंगे। आप यहाँ पे इसको मिक्स भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, अगर आपको आपसे विस्क नहीं हो रहा है, विस्क करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको करिएगा तो हो जाएगा। कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच जो हमारा फ्रेश मलाई होता है ना दूध वाला, वो डाल देते हैं, जिससे हमारा ये जो फ्रोस्टिंग है बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको जो है मिक्स कर सकते हैं, विस्क कर सकते हैं, जैसा भी मन हो वैसा करें आप। तो हमारा फ्रोस्टिंग बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी तरफ हमारा केक भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है दोस्तों। तो इसको आप क्या करेंगे, डिमोल्ड करेंगे, तो इसके लिए एक साफ चाकू ले, साफ चाकू की मदद से आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से केक को साइड से हटाना है, तो केक आपका इजीली बाहर आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेट रखना है और इसको पलट देना है, जिससे आपका केक इजीली बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए नीचे बटर पेपर लगाने का यही फायदा होता है कि केक हमारा इजीली बाहर आ जाता है। तो बटर पेपर को हम यहाँ रिमूव करेंगे और फिर इसको वापस से अपनी साइड ही पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने के बाद ये वापस से अपनी जगह पे वापस चला जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो केक है बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम फ्रोस्टिंग रेडी किया हुआ जो है पीनट बटर वाला, इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो केक को दो भाग में 20 से स्लाइस करके पार्टीशन कर दे, डबल लेयर बना करके भी कर सकते हैं, और इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रोस्टिंग जो है पीनट बटर वाला केक के ऊपर डाल करके इसको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर दिया है चाकू की मदद से, और थोड़ा सा इसको हम अच्छे से गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी लिया है दोस्तों, टूटी फ्रूटी से लुक भी अच्छा आएगा और टूटी फ्रूटी बच्चों को पसंद भी आता है। तो इस तरीके से हल्का जो है आप इसको गार्निश कर दे। तो बस आज का हमारा बहुत ही यम्मी जो है चॉकलेट वाला केक बोल सकते हैं आप इसको, और पीनट बटर केक बोल सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्टी रेडी हो चुका है। काटने से देख सकते हैं कितना ईजिली कट जा रहा है, इसका मतलब हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है दोस्तों। ये देखिए इसका एक स्लाइस मैंने निकाला है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लजीज लग रहा है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। नज़दीक से मैं इसको आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना इसके अंदर जो है जाली जैसा दिख रहा है, इसका मतलब हमारा केक बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है दोस्तों। तो आप भी अपने घर इस वाले क्रिसमस पे ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, तो ज़रूर ट्राई करें। और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे कट करिए चम्मच के साथ, बहुत ही स्मूथली कट जाता है और केक का स्वाद आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो बताइए ज़रूर, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे फिर से मिलते हो एक नई वीडियो में ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।